गुरवे नमः। छात्रः अद्य अस्मिन् पवित्र दिवसे अस्माकं नालन्दा महाविद्यालये संस्कृत कक्षां प्रति सर्वेषां द्वितीय वर्ष छात्राणां सुस्वागतम्। छात्रः इतः पूर्वं भवन्तः संस्कृतस्य विषये कानिचित् पाठानि, कानिचित् गद्यानि, कानिचित् पद्यानि पठितवन्तः। अद्य अहं भवतां कृते संस्कृतस्य गुणिगुणहीन विवेकः इति विषयम् उपस्थापयामि। सर्वे समीचीनतया श्रुण्वन्तु, पठन्तु। अनन्तरं कश्चित् शङ्का अस्ति चेत् तर्हि खातिकायां लिखतु, अनन्तरं तां शङ्काः मां पृच्छतु। अद्य पश्यतु, वयं विषयं नीतवन्तः गुणिगुणहीनविवेकः। अस्य विषयस्य लेखकः भवन्ति लेखकः मन्यः माधव पाण्डुरङ्ग डेग्वेकर् महोदयः। माधव पाण्डुरङ्ग डेग्वेकर् महोदयः एहि विषयटिर लेखक होचन्ति माननीय श्री माधव पाण्डुरङ्ग डेग्वेकर् महोदय। महाराष्ट्र प्रान्तस्य पुण्यपतन निवासिनः सन्ति। महाराष्ट्र प्रान्तर पुण्यपतन ग्राम रे बसवास करुथिबा व्यक्ति। बाल्यकालतः राष्ट्रपति एतान् महोदयान् आजन्म ब्रह्मचारिणः कारितवती। बाल्यकालरु राष्ट्रपति राष्ट्रप्रीति एहंकु आजन्म ब्रह्मचारी रूपे प्रतिपादन करिथिले। आजन्म ब्रह्मचारी रूपेण निजकु निज जीवन यापन करिथिले। 1940 ख्रीष्टाब्दे संस्कृत विषय स्नातकोत्तर प्राप्तिं प्राप्तवन्तः। 1940 मस्यारे एई माधव पाण्डुरङ्ग डेग्वेकर संस्कृत विषय को स्वीकार करे स्नातकोत्तर पदवी पाइथिले। प्रयागे 1978 ख्रीष्टाब्दे विश्व संस्कृत सम्मेलनस्य महामंत्री रूपेण अभवन् महामंत्रिणः अभवन्। 1978 मस्यारे प्रयागरे जेतेबेले विश्व संस्कृत सम्मेलनी प्रचलित होइथिला सेतेबेले एहि विश्व संस्कृत सम्मेलनीर महामंत्री रूपरे नियुक्त पाइथिले। तदारभ्य एते महोदयः संस्कृत कार्ये दत्तचित्ताः सन्तः। तदारभ्य सेहि दिनठारु आरम्भ करि एहि महोदय जनक संस्कृत कार्यरे डेग्वेकर महोदयः चित्त निजर मनको निवेश करिथिले। निजक मनको निवेश करि संस्कृत प्रतिष्ठापनार्थं संगठन मंत्री रूपेण भारत संस्कृत परिषदः उपाध्यक्ष रूपेण च संस्कृत आंदोलन परिचालितवन्तः। सेहि दिनठारु आरम्भ करि एहि महोदय संस्कृत कार्यरे मनोनिवेश करि संस्कृत प्रतिष्ठानर एवं संस्कृत संगठन मंत्री रूपरे भारत संस्कृत परिषदर उपाध्यक्ष रूपरे ओ संस्कृत आंदोलन को परिचालन करथिले परिचालितवन्तः। संस्कृत पुस्तक रचनाया सह प्रकाशनाय हेरम्ब प्रकाशनम नामनी संस्था तैहि निर्मिता। संस्कृत पुस्तक को प्रचार प्रसार करिबा तार गठन करिबा तार मुद्रण करिबा पई से कम करथिले। हेरम्ब पुस्तक प्रकाशनी नाम नारे गोटे प्रकाशनी संस्था निर्माण करथिले। जया बहु संस्कृत पुस्तकानं प्रकाशनं भवि भवति जाद्वारा कि बहुत संस्कृत पुस्तक प्रकाशन होई परिछे। तेसु नानत्व एकत्वं सेमनंग मध्यरे नानत्व विभिन्नता मध्यरे एकता तथा सोमनाथ विजय अन्य एक पुस्तक अस्ति छात्रः सोमनाथ विजय धर्म रक्षति रक्षतः धर्म रक्षा करुछे एवं आमे तार रक्षा करिबा इत्यादि प्रमुख स्थानम आवहन्ति। एहि पुस्तक गुड़िक सेहि हेरम्ब प्रकाशन पुस्तक रु निर्माण करा जायतिबा पुस्तक मानंग मध्यरे अन्यतम अटे।
तरी छात्रः आगच्छन्तु सर्वे एतद् भवति गुणगुणी गुणी गुणहीन विवेकस्य कवि परिचयः तस्य परिचयं वयं पठितवन्तः परिचयम् अध्यात् किञ्चित् लेखक निमित्तं किञ्चित् वाक्यानि उदाहरयतु लिखतु स्वखातिकायां यस्य वयं आवश्यककाले व्यवहारं करिष्यामः अनन्तरं अद्य पाठस्य पुनरालोचनं भविष्यति इतः पूर्वं भवन्तः गुणगुणहीन इति विवेकस्य सारकथा पूर्वस्मिन् कालांशे अहं भवतां कृते दत्तवान् आसम् अस्तु अद्य तस्य विषयस्य व्याकरणविभागे किं किम् अस्ति किं तावत् सारकथा इतः पूर्वं भवतः पठितवन्तः ज्ञातवन्तः अद्य तु अस्य व्याकरणस्य अपि च संस्कृतस्य परिचयेन साकं तस्य व्याकरणस्य सविस्तृततया आलोचयामः आगच्छन्तु छात्राः इदानीं पठिष्यामः गुणी गुणहीन विवेकस्य व्याकरणविषयं किं किम् अस्ति तस्य अनुवादं कथं वयं कुर्मः तद् आधारीकृत्य अद्य अहं गुणगिनी गुणहीन विवेकस्य द्वितीयकालांशः नयामि प्रथमकालांशे भवतां कृते अहं सारकथं प्रतिपादितवान् अथैकदा अथ एकदा यदि सन्धि करिबा कोण हो पिला एक यदि हम सन्धि करिबा अब अथ युक्त एकदा अथैकदा थरे यहाँ परे थरे थरे यहाँ परे कोण हिची गुरु शिष्यौ जने गुरु आ जने शिष्य गुरु शिष्यौ कर्तरि प्रथमा तीर्थाटनं कुर्वन्तौ तीर्थाटन करि कुर्वन्तौ क्रूधातुरो शत्रु प्रत्यय क्रूधातुरो शत्रु प्रत्यय होचि कुर्वन्तौ तीर्थाटन करि अंधेर नगरी नामकं स्थानं संप्राप्तौ अंधेर नगरी नाम नामकं नाम अव्ययजोगे अंधेर नगरी प्रथमा विभक्ति स्थानं संप्राप्तौ स्थानं स्थाधातुरो ल्युट् प्रत्यय स्थाधातु ल्युट् प्रत्यय भवति स्थानं अंधेर नगरी नामक स्थानको पाइथिले भवन्तः सारकथं ज्ञातवन्तः अतः अहं सारकथं प्रति ध्यानं सम्पूर्णतया न दास्यामि केवलं व्याकरणविषयम् उपस्थापनं कृत्वा अत्र पाठं समापयिष्यामि भोजनसामग्रीं क्रेतुं भोजनसामग्रीं छात्रः एतद् भवति कर्मणि द्वितीया छात्रः पश्यन्तु भोजनसामग्री कर्मणि द्वितीया भोजनसामग्री क्रेतुं क्रीधातुरो क्रीधातुरो तुमुन् प्रत्यय क्रेतुं भोजनसामग्री क्रेतुं आपणं गतेन शिष्येन दृष्टं यत् आपणं गतेन शिष्येन आपण दोकानको जाइथिला शिष्येन शिष्येन गतेन शिष्येन शिष्येन हुचे अनुक्ते कर्तरि तृतीया आपणं गतेन शिष्येन दृष्टं यत् दृष्टं दृष्टातु ता प्रत्यय दृष्टातु ता प्रत्यय दृष्टं जत् देखिथिले जे साकं तथा मिष्टान्नं समान मूल्येन उपलब्धे साकं साग मिष्टान्नं मिठा समान मूल्येन मूल्याख्ये तृतीया पिला मुन्नक मूल्याख्ये तृतीया समान मूल्येन उपलब्धे समान मूल्यरे उपलब्ध हेउछि तेन प्रसन्नचित्तः शिष्यः तेन ताद्वारा करणे तृतीया तेन प्रसन्नचित्तः प्रसन्न मन होइ खुशी मन होइ खुशीरे शिष्यः अग्रे प्रवासं परित्यज्य अश्विनेव नगरे स्थायी रूपेण निवासः कर्तव्यः इति गुरवे साग्रहं निवेदितवान् प्रसन्न खुशी होइ शिष्यटि अग्रे प्रवासं परित्यज्य आगकु आउ जीवानि प्रवासकु त्याग करि परित्यज्य परि जुक्त त्यज जुक्त ल्यप
परित्यज्य परित्यज्य युक्तल्य परित्याग करि कम करबा न परित्याग करि अस्मिन् एव नगरे अस्मिन् एव सन्धि अस्मिन् अस्मिन् युक्त एव अस्मिन् एव नगरे अधिकरणे सप्तमी छात्र पश्यतु अधिकरणे अधिकरणे अस्मिन् एव नगरे अधिकरणे सप्तमी व्याकरण विभागम अग्रे पश्यतु सारतकं यजतु एतद् भवति कृदन्तं कृदन्तं अनन्तरं भवति कारक विभक्ति एतद् भवति कारक विभक्ति एतद् भवति संधिकार्यम् संधिकार्यम् स्वखातिकायां लिखतु छात्रा एतन् व्याकरणं अस्माकं कृते भूयसी आवश्यकता विद्यते संस्कृते बहु अंकानि तुम भवन्तः इतः पूर्वं दशम वर्गे पठितवन्तः किम् प्रकृतिगतयं कारक विभक्ति संधि दशम वर्गे पठितं न तु प्रष्टु वर्गे अन्य किमपि तदेव पठतु आगच्छतु अनन्तरम् अंकानि आगमिष्यति तस्य आग्रह अतिशयेन नमः निवास पठदे इति निवास करिबा बोले गुरवे साग्रहं निवेदितवान् गुरवे निवेदनार्थे चतुर्थी गुरवे निवेदनार्थे चतुर्थी गुरवे सावधान साग्रहं निवेदितवान् गुरवे तादृशी पिलाने कौन देखो साग्रहं साग्रहं इत्युक्ते किम् क्रिया विशेषणे क्रिया विशेषणे द्वितीय क्रिया विशेषण द्वितीय साग्रहं यदि समास क्रिया कोण बिला आग्रहेण सह वर्तमानं सार्थक बहुव्रीहि समास आग्रहेण सह वर्तमानं सह लागिला बिला एति कोण हब ना सह लागिला मात्र के हमें जानु आग्रहर सहित देख आग्रहर सहित से निवेदन करितिले तस्य आग्रह अतिशयेन अगतिकः गुरुः प्रस्तावं अमुम अनुमोदितवान् तहार आग्रह अतिशय रे अतिशय को देखि अगतिक नास्ति गति जस्य सह निषेधार्थक बहुव्रीहि समास मिला गुरुः कर्तरी प्रथमा प्रस्तावं प्रस्तावको अमुम अनुमोदितवान् अनुमोदन करितिले अनुमोदितवान् अनु युक्त मुद अनु युक्त मुद युक्त ऋणिच प्रत्यय अछि बिना निस प्रत्यय आवश्यक नहीं तबतु तबतु अनुमोदितवान् अनुमोदन करितिले एहि प्रस्तावको अनुमोदन करितिले मिष्टान्न सेवनेन मिष्टान्न को सब दिने सेवन करबा हेतु मिष्टान्न सेवनेन पिला माने ह हेतौ तृतीया कि तृतीया हे तौ तृतीया मिष्टान्न सेवन हेतु कोण हेला न मिष्टान्न सेवनेन तौ उभौ परिपुष्टौ संजातौ से दुहे परिपुष्ट होई पडितिले तुमे मु भागुचे प्रकृति प्रत्यय गुड़िक आ कारक विभक्ति गुड़िक तुम्हें लिखि देतिबो तेनु करि मु तुम पई लिभे दउ छी तापर आगो को बले आमे आउ अनेक अनेक किछि संग्रह करि परि व्याख्यान करि लिभे दउ छी बि जहां तब तुम लिखि थाउ छी एठे तुम्हें ताको खाता रे उपस्थापना करूतिबो पिला काहे कि नै गुड़िक तुम पई निहाती नितांत आवश्यक अटे पश्यन्तु पुनः पश्यन्तु द्वितीय अनुच्छेद पठिष्यामः द्वितीय अनुच्छेद किम् अस्ति अर्थ एकस्मिन् समये अर्थ एकस्मिन् अर्थ युक्त अर्थ युक्त एकस्मिन् थारे गोटिये समय रे नगर्यम् आरब्ध निर्माणस्य गृहस्य भित्तिः अकस्मात् धराशायिनी अभवत् नगर्यम् नगरे नगर्यम् अधिकरणे नगर्यम् पिले मने रख अधिकरणे सप्तमी अधिकरणे सप्तमी कोण हेला थारे गोटिये नगरे रे सेहि नगरे रे आरब्ध निर्माणस्य गृहस्य भित्ति
आरब्ध निर्माण होइतिका घरर भित्ति कांथ अकस्मात हठात धराशायरी अभूत अकस्मात हठात कोन हैला आरंभ निर्माण कार्य आरंभ होइतिका गोटि घरर कांथ धराशायी होइ पडिला तस्यश्च अधस्ता तस्यश्च तस्यः युक्त च तस्यः युक्त च तस्यश्च अधः अधः पद जोगे तस्य षष्ठी माने रखिला अधः शब्द जोगे जोगे षष्ठी तस्यश्च अधः तस्यश्च अधस्ता अजायता पञ्चत्वं गता अजायता एका अजा कर्तरी प्रथमा अजायता कर्तरी प्रथमा अतः पश्चिम पिला अधः शब्द बदल रे आमे लिखिला अधस्ता अधस्ता शब्द जोगे षष्ठी अनन्तरं पश्यतु अजायता पञ्चत्वं गता पञ्चत्वं मृत्युवर्णं कला गत्ता गत्ता प्रकृति प्रत्यय कौन होती देखा पिला गम युक्त त युक्त ट इज इक्वल टू गत्ता गम युक्त त युक्त ट गत्ता मृत्युवर्णं कला अजायः स्वामिना राज्ञः पुरतः अभिजोग उपस्थापितः अजायः गृहस्वामिना अजार जे स्वामी अटे अनुक्ते कर्तरी तृतीया अजयः स्वामिना स्वामिना शब्दर तारक विभक्ति अजयः स्वामिना कौन कला राज्ञः पुरतः राज्ञः पुरतः पदजोगे पुरतः पदजोगे षष्ठी राज्ञः पुरतः अभिजोगम् अभिजोगको अभिजोगः उपस्थापितः उपजुक्तस्था उप उपसर्ग पूर्वका स्था धातोः स्था धातोः स्था प्रत्यय उपस्थापितः उपस्थापन कला आउ मने रख पिला सबुबेले जेतेबेले बही तुमे देखुथिबो जेतेबेले व्याकरण बही पढुथिबो धातु गुड़ी का जेते बेले तुम्हारा लेखा जाऊ से धातु पाखरे ए चिन्ह प्रयोग होतिब धातु चिन्ह होचे ए चिन्ह को तुम्हें प्रयोग धातु बोली बुझिब ए चिन्ह जोटे बय रे प्रयोग हेतिब से धातु बोली तुम्हें बुझिब त उपयुक्त स्थान युक्त त हैला उपस्थापित ह उपस्थापन कर जैतिला करतिला राज्ञः आदेशेन राज्ञं राजंकर आदेश हेतु आदेशेन हेतु हेतु तृतीया राज्ञः आदेशेन हेतु तृतीया पिला राज्ञः आदेशेन कौन हैला राजंक आदेश हेतु गृह निर्माण कर्ता आहुत गृह निर्माण कर्ता को आहुत आहु डक्का गला आहुत आ उपसर्ग पूर्व का वे धातु हो वे आ उपसर्ग पूर्व का वे धातु हो त प्रत्यय आहुत आ डक्का जायतिला अजयः मृत्यु कारणम अजयः मृत्यु हो कारणम अजयः मृत्यु हो पिला माने मन रख कृज्जोगे कृज्जोगे षष्ठी कृज्जोगे षष्ठी अजयः मृत्यु कारणम मृत्यु कारणम क्रूधातुरो क्रूधातुरो ल्युट प्रत्यय होचे कारणम जति मध्ये इंच सदा ताले बिके ठीक हबो इंच तो रहइबो पिला इंच शब्द रा हमर व्यवहार सीमित हम दशम वर्ग रे प्रकृति प्रत्यय नास्ति प्लस टू वर्ग रे प्रकृति प्रत्यय नास्ति एतदर्थम अहम नीच इत्यस्य व्यवहारम न कृतवान् अजयः मृत्यु कारणम् इति कृत्वा धातुरु क्वा प्रत्यय कृत्वा धातोः क्वा प्रत्यय रूपं भवति कृत्वा परि अजयः मृत्यु कारणं ताको परि देह दण्डेन दण्डितः च देह दण्डेन देह दण्डरे करणे तृतीया करणे तृतीया देह दण्डरे दण्डर मरिक दण्ड दिया गला मुक्ति दण्ड दिया गला फाँसी दण्ड दिया जाय थिला देह दण्डेन दण्डितः
तेना गृहस्वामिना बद्धांजलिना विज्ञापितं जत् न तस्य अपराध तेना गृहस्वामिना सही गृहस्वामी द्वारा मैं लिखी छु देखा पिला अनुक्ते कर्तरी तृतीया गृहस्वामिना बद्धांजलि गुटेना बद्धांजलिना अंजलि को बद्ध करी जणाई पिला जे कस्य सह अपराध अपितु न कुछ तार से अपराध नहि अपितु इष्टकलेपकारस्य जेन भित्ति निर्माण कार्य सम्यक न अनुष्ठितम आउरी मध्य से अपराध के थिला जे इष्टकलेपकार जे मिस्त्री रूपे नियुक्ति पाए थिला से सम्यक रूपे कार्य कला नहि एणु करि ए दण्डटि होचे तार अतः लेपकार नामीय तस्मै अपि स देहकण्डः आज्ञापित यहाँ पर राजा कम कले सही लेपकार को आहुय लेपकार आहुय आहुय प्रकृति प्रत्यय अच्छी पिला आ जुक्त हुए आ जुक्त हुए जुक्त ल्य आहुय लेपकार को डाकी कौन कले न सही देह दंड रे ही सही देह दंड को ही आदेश देतिले मूर्ति दंड रे दंडित करतिले तेना स गद्गदम स गद्गद ये हो चुकी पिला तुम्हार क्रिया विशेषण है द्वितीय मु भावु चित में लिखि दे थिबो तेनु करे मु लिखै दउ छी देख जे गुड़ी कम व्याकरण गुड़ी कर देउ छी तुमे ता को यूट्यूब मध्ये रो निज खाता मध्ये रो उपस्थापन कर आ खाता मध्ये रो उपस्थापन करे बहि सहित ताको मिलाओ बहि सहित मिसाई तुमे कम कर आगे को जिला पे प्रस्तुति हुओ ताहा द्वारा कौन हेबो ना व्याकरण गुड़ी कर सम्यक ज्ञान तुम पाखरे रही परिबो जहा आम पई आम परीक्षा निमन्ते बहु सहाय्य करिबो आ व्याकरण विषय रे हमर समीचीन ज्ञान हेई पद्य पारिबो त देख पिला ता पर कौन हेछि सा गद्गदम क्रिया विशेषणे द्वितीया क्रिया विशेषणे द्वितीया गद्गद्र सहित कौन कला ना प्रार्थितम जत प्रार्थना करितिला जे नैसह मम दोष नैसह न जुक्त ए सह नैसह मम दोष ए दोष मोर नुहे नैसह मम दोष ए दोष मोर नुहे अपितु मूर्तिकायम जल पदार्थ मूर्तिकायम इले मने रख अधिकरणे अधिकरणे सप्तमी अधिकरणे सप्तमी मूर्तिकारे जलम प्रदातुम जल को देवा को जल प्रदातु जल को प्रदान करुतिबा स्वामी कस्य ए दोष होचि जल मूर्तिकारे जे प्रदान जल प्रदान करुतिला सेई स्वामी कर जेन अधिकं जलं प्रदत्तं जेन जाद्वराकी अनुक्ते कर्तरी तृतीया जेउ स्वामीकटि द्वारा अधिक जल प्रदान करा गला अधिकं जलं प्रदत्तं प्रदत्तं रे प्रकृति प्रत्यय होचे प्र जुक्तदा जुक्तक प्रदत्तं जाद्वराकी अनेक अधिक जल प्रदान करा दैतिला फलरे जेन पंका तड़ता जाता जेन जादरा की करणे तृतीया ले बेरे अभिलाम को करणे तृतीया ले करिबा जेन पंका अधिक तड़ह जातरण करह जातह अधिक तड़ह तड़ह होई पड़िला जातह जन जुक्त त जात तड़ह तड़ह होई पड़िला इति राज्ञा तस्य वचनम अनुमतम बोली एबरी कहितला तो राजांक द्वारा राज्ञा आमे ले करिया पिला अनुक्ते कर्तरी तृतीया राज्ञा राजांक द्वारा तस्य वचनम तस्य ले करिया आमे क्रोध जोगे षष्ठी ले करिया पिला क्रोध जोगे षष्ठी राज्ञा तस्य वचनम अनुमतम अनुमत अनुमान करितिले अनुमति देखिले अतः आहुय से श्रमिक को डाकी आहुय हमें पूर्व लेखि दिया आहुय ल आनी तह डाकी आहिले आनी तह आ उपसर्ग पूर्व का नी हातुरु त प्रत्यय आनी तह आनी सा श्रमिक अपि तेन मूर्ति दण्डेन दण्डित सा श्रमिक अपि सही श्रमिक टिको मध्य
तेनेव तेनेव संधि करबिला तेनेव तेन जुक्त एव तेनेव देहागने रसै मृत्यु दण्डरे फासी दण्डरे दण्डित करागला राजांग द्वारा सही समीकटी को सही फासी दण्डरे दण्डित करागला जगदा सह समीक बद्ध स्थानम नितः जते बेले सही श्रमिकटी को जगदा सह समीक बद्ध स्थानम नितः जते बेले से समीकटी को पिलाई रामे नेई परिबा उक्ते कर्मणि प्रार्थना नेई परिया उक्ते कर्मणि तेन तस जगदा सह समीक बद्ध स्थानम कर्मणि में द्वितीय अंग बिला नितः नीनातु रूप बिला कौन है कहलो त प्रत्यय बद्ध स्थानम को निया गला तस्य तदा एत दृष्टि प्रथम आयातम जत सेते बेले एई बड़ी दृष्टि प्रथम को आयातम आयातम रे प्रकृति प्रत्यय में बामे आ युक्त जा युक्त त एकम दृष्टि प्रथम आयातम जत बद्धाय नियोजितं रज्जुबन्धनं बद्धाय निमित्तार्थे निमित्तार्थे चतुर्थे निमित्तार्थे चतुर्थे बद्धाय बद्ध निमन्ते रज्जु बंधनम बंध धातु बंध धातु ल्युत प्रत्यय रहले पिला रज्जु बंधनम तस्य ग्रीवायाः तुलनया तार ग्रीवार तुलना रे तुलना द्वारा तुलना रे अपेक्षाकृत बृहत आकार आसीत अपेक्षाकृत बहुत बड़ा आकार रे रहितिला तो तुम्हें लेखे देते हो पिला मैं तक तुम लोग कौन कर ची ये जो प्रकृति प्रत्यय और कारक विभक्ति रे जो ची जहाँ तुम लोग उम्म उपस्थापन कर ची से भी जो खाता रे लेके जब जहाँ जरा कि तुम भाई अभ्यास अभ्यान भाई सहज और सुकर और साधु कर हे करिबो ठीक अछि संगीत ना गले रे जो ची कारक विभक्ति में फिर रे जो ची प्रकृति प्रत्यय मध्य रे दोचे तुमे यहाँ को खाता लेखी ताको भल रूपे अभ्यास करिबो तुम्हारा दशम वर्गर विषय वस्तु पिला मु नूतन तुमको जिनस किछि भी दोनी जहाँ तुमे दशम रे पढ़ी ले आइछ मु सेगुड़ी को ही तुमको कम करछे बारंबार आलोचना करूछे सेते बेले देख कौन हैला सेते बेले ना ता बेक आकार रे रज्जु बंधन टी बहुत बड़ा हो जाय थिला तदा किं कर्तव्यम सेते बेले कौन करिबा उचित रज्जु तो तार बेक को पाउनी किं कर्तव्यम सु धातु रो बिना मने रखो क्रु धातु तव्य प्रत्यय मु आज सारा कथा को विशेष भाव रे वर्णन करनी बहुत कारण से तुमको सारा कथा भल रूपे देथिले आज कोन करछ तार व्याकरण तुमन निकट रे उपस्थापना करछ ताको देखि तुम्हें व्याकरण ताको भल भाबरे प्रस्तुति करिनेबो सेते बेले कोन करबा उचित बोली किं कर्तव्यम इति विचार क्रिया माने एबे विचार करन्दे समीपस्थितेन महामंत्रिणा सब निकट रे थिबा महामंत्री को द्वारा महामंत्रिणा अनुक्ते कर्तरी तृतीया पिला मने रख निकट रे थिबा महामंत्री को द्वारा कुआ गला जे उत्तम जत उत्तम बहुत धातु का प्रत्यय उत्तम जत कुआ गला जे कौन कुआ गला एकस्य प्राणांते घटिते जड़ंकर प्राण अंत न घटिते अन्यस्य कस्य पे प्राण न तो हर्तव्यः अन्य रा प्राण को हरण करिबा उचित तमे जानि सकिला कव्य प्रत्यय होची उचित अर्थ रे आमे एकस्य प्राणांते घटिते एडा बनि परिया आमे पिला भावे सप्तमी नहीं करिबा भावे सप्तमी गोटिए घटना घटनते जदि आउले घटना घटि जाउछे ताले आमे ताको पूर्व घटना को भावे सप्तमी नहीं करिबा प्राण को हर्तव्यः पिला हर्तव्यः बहुवचन अछि रोधा को तव्य प्रत्यय रे बहुवचन अछि कारण सबोले मन रखे दरकार
मनुष्य शरीर रे थिबा प्राणंगी नित्य बहुवचन अटे हरण करबा उचित हस्त द्वारा प्रकृति प्रत्यय नै करबा एकार विभक्ति नै करबा अव्यय जोगे प्रार्थना अव्यय जोगे प्रार्थना नै करियामे हस्त द्वारा तदा एतद् निर्णीतं यत् रन्धुवा गर्जुवर्णना योग्यः पोपितृष्टा विद्वः अनेतेभ्यः सेतेबेले तदा एतद् निर्णीतं यत् एहा निर्णय करा जायतिला जे रज्जुवर्णना योग्य दौड़ी द्वारा बांधिबा पई उपयुक्त पोपि अन्य जनः जे कोनोसी गोटे लोकक अनेतेभ्यः अणा जिबा उचित अन्वेषण कार्य निजुक्त ही राजपुरुष ही संजोग बसा तेनेव पथा गंछंतो गुरु शिष्य दृष्टौ कौन है ना जिते बेले अन्वेषण कार्य रे निजुक्त होइतिबा राजपुरुष मानक द्वारा तुम्हें नै करियो पिला रे तारक विभक्ति नै करियो अनुक्त कर्तरी तृतीय को नै करियो राजपुरुष ही संजोग बसा पिला नै करियो हेतो पंचमी संजोग बसा तो तमे नव सूत्र विभक्ति नव पंचमी संयोग वशतः तेनेव कथा तेनेव संगीत नै करियो पिला तेन तेन युक्त एव तेनेव कथा से रास्ता रे तेनेव कथा गच्छन्तो गुरु शिष्य दृष्टौ गच्छन्तो बम धातुरु तमे नै करिबो शत्रु प्रत्यय नै करिबो गच्छन्तो गुरु शिष्य दृष्टौ गुरु शिष्यंको देखितिले गुरु धातुरु तुमे नै पारिबो गुरु धातुरु ता प्रत्यय नै पारिबो दृष्टौ से गुरु शिष्यंको देखितिले राजपुरुष ए शिष्यं भूत्वा सह बद्ध स्थानं नीतः राजपुरुष माने शिष्य उटा को धरि बद्ध स्थानंको नै गले शिष्यः बहु प्रकारेण राजानं प्रार्थितवान शिष्यटि बहुत प्रकार रे राजानं कर्मणि नित्या नबा बिलामे राजानम नै परिबा कर्मणि द्वितीया बहुत प्रकार रे राजा को प्रार्थना कला नित शिष्य अहम सर्वदा निर्दोष अस्मि से प्रार्थना करितले जे अहम से कर्तरि प्रथमा सर्वदा सबबेले निर्दोष अस्मि निर्दोष अटे मया न कोपि अपराध कृतः मो द्वारा मया अनुक्ते कर्तरी तृतीय नबा पिला न कोपि अपराध कोनसि मध्ये अपराध को करा जाय नाही किंतु तस्य परिवेदनम केना बिना सुतम किंतु तार निवेदन को केही मध्ये सुनि पाले नाही गुरुणा अनुक्ते कर्तरी तृतीय शिष्य संबोधित शिष्य आमे नै परिबा पिला उक्ते उक्ते कर्मणि प्रथम नै परिबा शिष्येण गुरु संबोधितम गुरुणा शिष्य संबोधित जत मया प्रथमं कथितम आसीत मो द्वारा प्रथमे कुआ जाय कि जे अस्याम अंधेर नगर जम उचित अनुचित मन्नाय अन्याय इति एतो यो हो विचार ह नैव क्रियते एई अंधेर नगर रे न्याय अन्याय उचित अनुचित नैव न जुक्त एव नैव क्रियते करा जाय नाही किंतु तदा त्वया अवधानं न दत्तं किंतु सदवेले तदा त्वया अनुक्ते कर्तरि तृतीया अवधानं अवधानं नाम नै करिबा अव उपसर्ग पूर्वक धा धातुरो ल्यु प्रत्यय नै करिबा अवधानं न दत्तं सदवेले तुमे धारणा देइनतिर चिंता करिनतिर परंतु तस्मात् संकटात् प्रथमपि निर्गमनम् आवश्यकम् आसीत् गुरुणा शिष्यस्य कर्णे किमपि उपायेण कथितम् किन्तु सेतेबेले सेहि समस्यारु किभळि भावरे निर्गत हेइपारिबा निर्गमन हेइपारिबा संकटात् अपादाने पञ्चमी नैपरिया पिला आमे याकु अपादाने अपादाने पञ्चमी नैपरिबा किभळि भावरे निर्गत होइपारिबा सही समय रे उपाय रूपेण गुरुणा अनुक्ते कर्तरि तृतीया शिष्यस्य कर्णे पिला नै परिबा आमे शिष्यस्य कर्णे नामे नै परिबा सामान्य साथी नै परिबा शिष्यस्य कर्णे आमे नै परिबा संबंधे साथी शिष्यस्य कर्णे कर्णे नै परिबा अधिकरणे अधिकरणे
सप्तमी शिष्य से कर्णे कौन है ला देखा लाउ ठीक कर दो रहेला शिष्य से कर्णे किमा पे उपाय रूपेण कथितम कथितम ला नपुति करते हो जी और जुक्ता का कथितम शिष्य ऊपर एक कर्ण रे किछ कुआ गला जदा सा शिष्य बधाय नियते जते बेले शिष्य डी को बद्ध को निया गला स्मरण तदा गुरुणा अग्रे आगत्य उत्तम जत सेते बेले गुरु को द्वारा आगु को आसी कुआ गला जे कुआगला दे मम दिबापी पृष्ठा अस्ति मम दिबापी मोर बेक मध्य पुतुल अटे मोटा अटे जतः ममा की दिबा पृष्ठा अस्ति इति सत्यवेले शिष्य स्थाने मम मध्य कर्तव्य एवं करे शिष्य जगरे मोर मध्य करबा उचित जतः ममा की दिबा पृष्ठा अस्ति तदा शिष्य अपि साग्रहम अभ्रवीत सत्यवेले शिष्य की मध्य साग्रहम क्रिया विशेषण बिना नहीं करिबा क्रिया विशेषण द्वितीय नहीं करिबा क्रिया विशेषण हमें आपको द्वितीय नहीं करिया बिना साग्रहम आग्रहेण सह वर्तमानम सार्थक बहुवी समस्त नहीं करिया जे मोर माम एवं मते हत्या कर जाओ मामेव प्राणः हर्तव्य अपहर्तव्य मोर प्राण को अपहरण करिबा उचित तदा विस्मय चकितेन राज्ञा तदा विस्मय चकितेन राज्ञा नै करिबा अनुक्ते कर्तरी तृतीया आश्चर्य चकित होइतला राजनक द्वारा कुआ गला जे राज्ञा पृष्टम कह एसह व्यापार हय ए व्यापार कोन अटे इति गुरुणा प्रोक्तम गुरुंक द्वारा कुआ गला जे जो नाम अस्मिन् मुहूर्ते बद्ध स्थाने प्राणी विजुज्यते जे लोकटी ए बद्ध स्थाने आज मोर मृत्युवरण करिबो सह आगामी जर्मनी चक्रवर्ती सम्राट भविष्यति से आगामी जर्मनी अधिकरण सप्तमी नहीं करिया दिला आगामी जर्मनी चक्रवर्ती सम्राट हे करिवो इति तत् सुत्वा तत् युक्त जर्मनी बिना संगीत तत् युक्त श्रुत्वा तत् सुत्वा ताहु सुनि राज्ञा उक्तम राज्ञा अनुक्ते कर्तरि तृतीया राज्ञा उक्तम अस्यां परिस्थित्यां अहमेव बद्धस्य इच्छुकः इति अस्यां परिस्थित्यां अधिकरणे सप्तमी अहमेव मुनि बद्धस्य इच्छुकः इति बद्धः इच्छुकः अटे यत्र अज्ञानस्य राजत्वं गुणहीनं च राजा सा नगरी अंधेर नगरी भवितुं योग्या पिलाने मने रख जोठी अज्ञानतर राजत्व करे आउ जोठी ज्ञानर प्रति अवधानता रही थाए से जागाटी को जुडे अज्ञान अंधकार राजति करी थाए आओ जेउठी अज्ञानर विचार बढ़ी चले अज्ञानर हीनता को हमें प्राधान्य देउ वास्तव रे से नगरी को अंधेर नगरी कहिबा पई आमे जुक्ति जुक्त अटे अटो त तरीहि छात्रः इतन विषयम गुणगुणहीन इति विषयम भवन्ता सम्यक्तया पठन्तु एषा विषयः अस्माकं परीक्षायां बहु प्रश्नानि आगमिष्यति तस्य व्याकरण विभागम अपि अहं भवतां कृते बारं बारं पुनः पुनः उपस्थापयनं करोमि एतदर्थं भवन्तः सज्जीभूताः सन्तः स्वखातिकायां लिखित्वा तस्य रटनं कृत्वा भवन्तः तु इति अहं कामनां पुरस्सर अद्य कक्ष्यां भवतां संस्कृतकक्ष्यां अद्य समापयामि एतदर्थम् अस्तु सर्वेषां छात्राणां हार्दम हार्दम धन्यवादः अस्तु विरमामि।